हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीबीएसई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जैसे कि इसमें हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकल चुकी है, साथ ही अकाउंटेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन पास और 12th पास वालों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी साबित हो सकती है, क्योंकि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 1,00,000 रुपए तक मिलेगी काफी सारी पोस्ट के ऊपर। तो आज इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए एलिजिबल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी जबरदस्त सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 118 है, जिसमें सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी कैटेगरी के लिए 18 है। जूनियर अकाउंटेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है 20 वैकेंसी है, अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है 7 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की पोस्ट है 8 वैकेंसी है, और भी काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम इन्हीं चार पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के चलने वाले हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी सबसे ज्यादा इन्हीं पोस्ट के लिए है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मांगा गया, इजिली मोस्टली कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा सा शॉर्ट है बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें आगे करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी आज से, यानी कि 12th ऑफ मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 11th ऑफ अप्रैल 2024 रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार फॉर्म फीस को भी डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर काफी सारे लोग शिकायत करेंगे कि भैया फॉर्म फीस आप लास्ट में बताते हो। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ना, उन सभी पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। लेकिन जो हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हो गई, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, लेकिन एसटीएससी पीएच फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस जो है ना, ये भी एक बड़ा कारण बनती है कंपटीशन कम रखने का इस टाइप की वैकेंसी में, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट पोस्ट बताऊंगा, उस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, जनरल वालों के लिए मिनिमम, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सबसे बेस्ट और सबसे डिजायरेबल पोस्ट जिसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी ठीक ठाक है और काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, लेवल 10 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी, सैलरी आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है ना, ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 11 अप्रैल 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ओबीसी वालों को वही 3 साल का और एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। यहां पर खास बात यह है कि अगर आपने 12th पास किया है कॉमर्स से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। ग्रुप सी की पोस्ट है, इसकी फॉर्म फीस कम है इन कंपैरिजन ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पर 12th पास वाले एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल यहाँ पर रखी गई है, एज आपकी वही 11 अप्रैल 2024 तक कैलकुलेट होगी। तीसरी बेस्ट पोस्ट है अकाउंटेंट ग्रुप सी की, अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है।
यहां पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, या फिर बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी, या फिर फाइनेंस था, या फिर बिजनेस स्टडीज था, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी था ग्रेजुएशन में, तो भी आप इलिजिबल है भाई अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। मार्क्स मैटर नहीं करते, कितने मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन को क्वालिफाई किया, अगर आपने पास किया है तो आप इलिजिबल है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहां पर मांगी गई है। चौथी बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन वाली जो पोस्ट है, यहां पर अगर आपने कोई भी मास्टर डिग्री पास कर रखी है तो आप इलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर यहां पर मांगी गई है। तो ये चार पोस्ट काफी यूनिक लगी मुझे, काफी बेस्ट लगी। वैकेंसीज की जानकारी मैंने आपको शुरू में दे दी है और पोस्ट का क्राइटेरिया बता दिया। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट ग्रुप ए में आती है, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की पोस्ट हमारी ग्रुप सी में आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों वन बाय वन हर एक पोस्ट का डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देती हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कैडर की जो पोस्ट है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर तीन मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट टीयर वन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा 300 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। एक टीयर टू एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। हिंदी इंग्लिश में कैसे भी पेपर आप दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। इन दोनों पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया, सिंपली आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए वन बाय वन हर एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। और हाँ, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम केवल ग्रुप ए की पोस्ट में ही है, बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनमें आपका टीयर सेकंड एग्जाम नहीं है, वहां पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्सनल इंटरेक्शन है मतलब इंटरव्यू है, ये केवल हायर लेवल की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर का ही हिस्सा है, मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट में ही है। जो हमारी अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है या फिर जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, चिंता क्यों कर रहे हो, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में आपको दे ही रहा हूं। टीयर फर्स्ट एग्जाम जो होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर, ये टोटल आपका 6 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए इस एग्जाम में 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा, ठीक है, वही आपका रीजनिंग जो होता है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वांटिटेटिव एटीट्यूड वाला सेक्शन रहेगा, एडवांस मैथ आपको नहीं मिलेगा इसमें, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। तो चौथा सब्जेक्ट जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि वही आपका जो व्याकरण वगैरह होता है हिंदी, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा, वही इंग्लिश ग्रामर, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। छठा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर टीयर फर्स्ट एग्जाम में 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर का पेपर रहेगा, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर के टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीयर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिसाइड की गई है कैटेगरी वाइज, ताकि आप टीयर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सको। जैसे कि बात कर रहा हूं मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को एग्जाम में टीयर फर्स्ट एग्जाम में 50% मार्क्स लाने होंगे। टीयर फर्स्ट एग्जाम आपका 300 नंबर का था, तो कम से कम 300 में से 150 नंबर अगर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे टीयर सेकंड एग्जाम के लिए। ओबीसी वालों को 45% मार्क्स लाने होंगे, एसटीएससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप टीयर फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपको टीयर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर एंड पेन मोड है, आपको लिखना होता है, क्वेश्चन के आंसर आपको लिख के देने होते हैं। यह आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला सब्जेक्ट सुनिए कहां से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड से क्वेश्चंस होंगे। टोटल 160 नंबर का ये पोर्शन होगा, लिख लोगे जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। पार्ट दूसरा रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश में, कैसे भी आप आंसर दे सकते हो। पार्ट दो यानी कि दूसरा जो सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसीज, प्लानिंग टेक्निक, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से क्वेश्चन होंगे, गूगल कर लीजिएगा मिल जाएंगे, 80 मार्क्स का ही रहेगा। तीसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो संविधान है, पॉलिटी लोकतंत्र है, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, एथिक्स,
इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे 40, और चौथा आपका सिंपल एसे राइटिंग रहेगा, निबंध आपको लिखने होते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, 40 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। तो टीयर टू एग्जाम में टोटल 320 नंबर का टीयर टू एग्जाम रहेगा और ये 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टीयर सेकंड एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिसाइड की गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% मार्क्स है, ओबीसी वालों को 45% मार्क्स लाने होंगे, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है आपकी थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि एक पर्सनल इंटरेक्शन का रहेगा, मतलब एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये इसमें नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दे रखी है, तो जितने का भी होगा तभी आपको पता चलेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो टीयर सेकंड एग्जाम यानी कि जो कि 320 नंबर का था, और इंटरव्यू जितने भी नंबर का होगा इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर होगा। हो सकता है कि इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर भी हो, ठीक है, उसको केवल क्वालिफाई करना हो और फिर फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी टीयर सेकंड एग्जाम के मार्क्स पर बन जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 80 नंबर का आपका इंटरव्यू रह सकता है और फिर फाइनल में इंटरव्यू टीयर सेकंड एग्जाम को जोड़कर 400 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी। तो जो टीयर फर्स्ट एग्जाम था वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, समझ गए यहां तक। तो चलिए दोस्तों, सैलरी वगैरह के सिलेबस के बारे में बात करने से पहले एक बार जो हमारी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट है इनके एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो 120 नंबर का होगा, 240 नंबर का आपका पेपर रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, 4 सब्जेक्ट आपके इसमें रहेंगे। पहला सब्जेक्ट वही आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर रहेगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा हिंदी और इंग्लिश 7 आएंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा वही आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट बजटिंग, वही आपको फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंटेंसी थोड़ी सी फोकस करनी पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए 60 क्वेश्चन 120 नंबर के अंदर, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में 120 क्वेश्चन 240 नंबर के अंदर आएंगे, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। तो ये आपका टीयर फर्स्ट एग्जाम है। इसके टीयर सेकंड एग्जाम में कोई भी मेंस एग्जाम नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, केवल आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 50% मार्क्स एग्जाम में लाने होंगे, ओबीसी वालों को 45% मार्क्स लाने होंगे, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे। और इस मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को बढ़ाया या फिर घटाया भी जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू, अगर जरूरत पड़ी तो इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि एक वैकेंसी के लिए 10 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। स्किल टेस्ट कौन सा होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा, तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के लेकर आनी होगी, क्लियर है। तो दोस्तों, इतना सा काम है आपका, कर लोगे। अब बात करते हैं कि अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 300 नंबर का था और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 240 नंबर का था। तो भाई, फाइनल मेरिट आपकी केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अकाउंटेंट इसका भी इजी सा है, इसका 150 क्वेश्चन का पेपर है और 300 नंबर का पेपर है, वही आपका करंट अफेयर जी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, रीजनिंग मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, तीसरा हिंदी इंग्लिश 7 आ रही है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। यहाँ पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस मैनेजमेंट, MIS, कोस्टिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग, कोस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये है 90 नंबर होंगे। 140 नंबर का ये, 180 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी वही टाइपिंग होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश की कर सकते हो। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। क्वालिफाई करने उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही हो जाएगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जल्दी जल्दी में आप एग्जाम पैटर्न वगैरह को तो समझ ही गए होंगे, बाकी जानकारी नोटिफिकेशन में जो कि मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा रखा है। फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, हायर क्या, बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है, यानी कि इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है ना वो 56,100 रुपये होता है, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 95,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक होती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। इतनी खतरनाक सैलरी कभी देखी है? और अगर किसी ने भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है वो इजिली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यार ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीबीएसई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का, इतनी बढ़िया पोस्ट के ऊपर। तो सैलरी देख रहे हो,
95,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के ऊपर, या फिर आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के उस पोस्ट के ऊपर भी इतनी सैलरी मिलेगी। बाकी एक हमारी इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40 से 45 हज़ार के आसपास होगी, अराउंड 42,000 के आसपास इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 32,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ सैलरी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम सेंटर्स का भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। बाकी जो प्रोफाइल आपको पता ही होगा, ज्यादातर क्लैरिकल काम ही आपको करना पड़ेगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी हाई लेवल की पोस्ट है। तो भाई जो सीबीएसई के रीजनल ऑफिसेज है ना, वहां पर जो इनकी ब्रांचेज है ऐसा हम कह सकते हैं, उनके पूरे ऑफिस को आप कमांड कर रहे होंगे, आप उसको हेड कर रहे होंगे, तो आपको एक अलग कैबिन मिलता है असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर। तो 9 to 5 की मोस्ट ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहां पर अभी आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है, कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना है, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं है, एक तरीके से पूरा क्लैरिकल काम आपको करना है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भैया जॉब लोकेशन बताओ, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है सीबीएसई। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं सीबीएसई के, जैसे कि इलाहाबाद के अंदर है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली। तो इनमें से कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, आपको अपने होम स्टेट में भी आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है, और हेडक्वार्टर्स में भी आप भेजे जा सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। फिर से बता रहा हूं, डिटेल्ड से डाउट क्लियर करने के लिए नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से तसल्ली कर लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।